देयर वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। और भाई ये इस साल का लास्ट नटी न्यूज होने वाला है। जैसे तैसे करके ही सही हम लोग साल के एंड पे पहुंच ही गए, इसलिए अपना तगड़ा सपोर्ट बनाए रखने के लिए यार थैंक यू। अब देखो दिसंबर तो मानो छुट्टियों में ही निकल जाता है, तो उतने इंटरेस्टिंग अपडेट्स तो इस बार नहीं आए हैं, लेकिन जैसे भी अपडेट्स आए हैं मैं तो बता ही दूंगा, इसलिए कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आते हैं वंडर वुमन 1984 पे, क्योंकि लास्ट वीक ये रिलीज हुई एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $40 मिलियन हो चुका है। हाँ ऑब्वियसली अभी के टाइम पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैटर नहीं करता, सिंस बहुत जगह थिएटर अभी भी बंद है एंड HBO मैक्स पे भी इसे रिलीज कर दिया गया था, जिससे कि पायरेसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हाँ फिर भी लॉकडाउन के बाद ये हाईएस्ट ओपनिंग वाली मूवी हो चुकी है एंड अभी तक तो टेनेट से अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगेन यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है, सिंस दोनों ही वार्नर ब्रदर्स की मूवीज हैं, इसलिए जो जितना कमाए पैसे तो वार्नर ब्रदर्स को ही मिलेंगे। ओवरऑल वंडर वुमन 1984 एक सक्सेसफुल मूवी बन रही है। इसी पे डिस्कस करते हुए पैटी जेनकिंस से पूछा गया कि क्या वो इसके थर्ड पार्ट को भी डायरेक्ट करेंगी, जिस पे उन्होंने बोला है कि उनके दिमाग में थर्ड पार्ट के लिए स्टोरी जरूर है जो कि वंडर वुमन की स्टोरी को कंप्लीट कर देगी। बट जैसा अभी मूवी इंडस्ट्री का हाल है एंड मोस्ट ऑफ द मूवीज ऑनलाइन रिलीज किए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो शायद वो इसके थर्ड पार्ट को डायरेक्ट ना करें। पैटी जेनकिंस से ही जब ट्वीट करके ये पूछा गया कि अगर उन्हें किसी दूसरे सुपर हीरो के मूवी को डायरेक्ट करने का मौका मिले तो वो कौन से सुपर हीरोज होंगे या वो किस में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने रिप्लाई करते हुए बोला है सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड ब्लैक विडो। वैसे गैल गैडोट ने भी कुछ नए इन्फॉर्मेशन दिए हैं अपने इंजरी को लेकर, और उन्होंने रिवील किया कि वंडर वुमन की फर्स्ट मूवी में उनको एक इंजरी हुई थी जिसके चलते उन्हें अपनी बैक की सर्जरी करवानी पड़ी थी, एंड सेम ऐसे ही वंडर वुमन 84 में भी हुआ और रिसेंटली उन्होंने अपने नेक की सर्जरी भी करवाई है। अब आ जाते हैं वांडा विजन पे, जो कि नेक्स्ट सुपरहीरो सीरीज होने वाली है MCU की फ्रेंचाइज में। सबसे पहले तो ये पता चला है कि इस सीरीज में वांडा के ओरिजिन को भी एक्सप्लोर किया जाएगा एंड उसके हाइड्रा के टाइम के इवेंट्स को भी दिखाया जाएगा। बहुत लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिंस कॉमिक्स में वांडा एक म्यूटेंट है तो मे बी यहाँ भी वांडा को म्यूटेंट से कनेक्ट किया जाए, बट यार शायद ऐसा नहीं हो रहा एंड वांडा की ओरिजिन म्यूटेंट से कनेक्ट नहीं होने वाली। और हाँ ये भी कंफर्म हो गया है कि इस शो में मिनिमम 8 एपिसोड्स तो होंगे ही एंड ऊपर से हर एक एपिसोड आपको बिल्कुल ही अलग फीलिंग करवाएगी, मे बी डिफरेंट टाइमलाइन के डिफरेंट एपिसोड्स एक्सप्लोर होंगे। तो हाँ यार वांडा विजन में सच में एक कॉम्प्लेक्स और क्रेजी स्टोरी होने वाली है। नेक्स्ट बैटवुमन के सीजन 2 का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ और ये भी कंफर्म हो गया कि 17 जनवरी से इसके नए एपिसोड आने लगेंगे। अब यार जिनको याद नहीं आ रहा बता दूं कि रूबी रोज ने बैटवुमन का रोल छोड़ दिया था, इसलिए सेकंड सीजन में जेविशा लेज़ली हमें लीड में दिखेंगी। देन आगे जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग से कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि उनकी जस्टिस लीग के स्टोरी लाइन में जो कि पहले दो पार्ट में होने वाली थी उसमें जोकर एक मदर बॉक्स चुरा लेता है। वैसे शायद ऐसा कुछ हमें स्नाइडर कट में नहीं दिखेगा, बट अगर वो आगे DCU में कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा ही होता। एंड इसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने स्नाइडर कट के जंकी एक्सल का बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा सुनाया, एंड भाई भले ही ये 15 सेकंड के लिए सुनाया हो लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ऑसम था। ऑब्वियसली कॉपीराइट के चलते मैं यहाँ नहीं सुना सकता, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर जरूर सुनना। आगे आते हैं जेम्स गन पे, तो बहुत से लोग रिसेंटली ये जानना चाहते थे कि ब्रैडली कूपर जैसे बड़े एक्टर को रॉकेट की आवाज के लिए क्यों चूज किया गया। वैसे भी जब तक किसी को आप नहीं बताओगे तब तक किसी को पता ही नहीं चलता कि रॉकेट की आवाज ब्रैडली कूपर ने दिया है। एंड इसी पे रिस्पॉन्ड करते हुए जेम्स गन ने भी बोला कि इस बात से ऑडियंस ही नहीं बल्कि कुछ डिज्नी के हेड भी कंफ्यूज थे कि सिर्फ आवाज के लिए इतना बड़ा एक्टर क्यों। ऑब्वियसली ब्रैडली कूपर को ज्यादा ही पे करना होगा, बट उन्होंने ये बोला कि रॉकेट के लिए ब्रैडली कूपर ही उनकी ओनली चॉइस थे क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं एंड किसी कैरेक्टर को आवाज देने का मतलब है उसे स्क्रैच से क्रिएट करना, उसके पर्सनालिटी को बनाना, जो कि आई थिंक ब्रैडली कूपर ने बहुत ही अच्छे से किया है। इसी के बाद एक ट्वीट में उनसे ये पूछा गया कि अगर मार्वल DC में क्रॉसओवर होगा तो वो किस पे मूवी बनाना चाहेंगे, और इसी पे रिप्लाई करते हुए उन्होंने बोला कि किंग शार्क, रॉकेट, वीजल एंड ग्रूट पे। देन एक छोटा सा अपडेट है बैटमैन के नए एनिमेटेड सीरीज से जो कि HBO मैक्स पे रिलीज होगा। उसी के साथ ये सारे मूवीज और एनिमेटेड शोज जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी HBO मैक्स पे अवेलेबल हो जाएंगे 1 जनवरी से। नेक्स्ट एक फोटो है जो कि जेरेमी रेनर ने हॉकाई के सेट से शेयर किया, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि एंड गेम में हमने उनका जो टैटू देखा था उसका प्रॉपर लुक हमें इस शो में देखने को मिलेगा। साथ ही शायद ये भी पता चलेगा कि इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच हॉकाई के साथ हो क्या रहा था। नेक्स्ट एक रूमर है कि मार्वल स्टूडियोज इसी साल शाया लबाफ को एज अ सुपर हीरो के रोल में कास्ट करने को कंसीडर कर रहे थे। अब ये तो नहीं पता कि वो कौन सा सुपर हीरो था या फिर अभी भी उन्हें कंसीडर किया जा रहा है या नहीं। शाया लबाफ ट्रांसफॉर्मर्स के फ्रेंचाइज में लीड रोल करने के लिए फेमस है, बट इस फ्रेंचाइजी के बाद उन्हें कोई खास रोल अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट दिया है डैफ्ने किन ने,
जिन्होंने लोगन में X23 का रोल किया था। उन्होंने बोला कि MCU में वो अपना रोल कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं, एंड अब जब डेडपूल 3 डेवलपमेंट में है तो वो 100% श्योर है कि सूनर और लेटर मार्वल स्टूडियोज भी उनसे कॉन्टेक्ट करेगा। जाते जाते लास्ट एक छोटा सा रूमर है कि ब्लैक पैंथर 2 में चैडविक बोसमैन के जाने के बाद विंसेंट ड्यूक लीड रोल में रहेंगे। उन्होंने ब्लैक पैंथर में बाकू का रोल किया था एंड फैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन हाँ ये शोर है कि किसी भी तरह से उन्हें ब्लैक पैंथर का टाइटल नहीं मिलेगा। तो यार आप सब कमेंट में बताओ कि क्या आप ब्लैक पैंथर 2 में एम्बाकू को लीड रोल करते हुए देखना चाहते हो कि नहीं। होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। वंडर वुमन 84 का रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ हटके देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।